हाय, मैं हूं अजय एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोवा के टॉप 10 टूरिस्ट प्लेस के बारे में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, दूधसागर फॉल्स। दूधसागर फॉल्स गोवा की वन ऑफ दी बेस्ट फेमस जगहों में से एक है। इस झरने का पानी दूध की तरह सफ़ेद है, इसलिए इसे दूध सागर कहा जाता है। यह झरना कर्नाटक राज्य और गोवा की सीमा पर स्थित है। यह भारत के सबसे ऊंचे झरनों में से एक है। इसकी ऊंचाई 310 मीटर तथा चौड़ाई 30 मीटर है। मानसून के समय पर यह झरना काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखाई पड़ता है। नंबर 2, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस। गोवा में स्थित एक प्रमुख चर्च है। इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। इस चर्च का निर्माण 1594 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था और 1605 में बन गया या पूरी तरह से तैयार हो गया था। इस चर्च में सेंट फ्रांसिस जेवियर के अवशेष रखे हुए हैं। नंबर 3, अगुआड़ा किला। अगुआड़ा किला गोवा के सबसे लोकप्रिय स्थानों में से एक है। अगुआ का मतलब पुर्तगाली भाषा में पानी होता है। चूँकि यह किला पानी के पास ही बना हुआ है, इसलिए इसे अगुआड़ा किला कहा जाता है। इस किले का निर्माण 1609 में स्टार्ट हुआ था तथा 1612 में बन के या तैयार हो गया था। नंबर 4, चपोरा किला। इस किले से चपोरा नदी दिखाई देती है, इसलिए इस किले को चपोरा किला भी कहते हैं। इस किले को दिल चाहता है के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि 2001 में यहाँ बॉलीवुड की फिल्म दिल चाहता है की शूटिंग हुई थी। इसका निर्माण 1717 में हुआ था। कई शासकों ने इस किले पर अलग अलग समय तक कब्जा किए। नंबर 5, सिंकवेरिम बीच। यह बीच गोवा के उत्तरी क्षेत्र में स्थित एक छोटे से गांव में स्थित है। यह गोवा के प्रसिद्ध स्थानों में से एक है। नंबर 6, श्री मंगेश टेम्पल। श्री मंगेश टेम्पल गोवा में स्थित एक प्रमुख मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण 1560 में हुआ था, लेकिन समय समय पर इसका हस्तांतरण होता रहा। 1890 ईस्वी में मराठा शासन काल के समय इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया था। यह भगवान शिव के अवतार भगवान मंगेश को यह मंदिर समर्पित है। नंबर 7, इंडिया नवल एविएशन म्यूजियम। इसे नौसेना विमानम संग्रहालय के रूप में भी जाना जाता है। यह नौसेना का एक सैन्य विमान संग्रहालय है। इस संग्रहालय की स्थापना 12 अक्टूबर 1998 को की गई थी। यह संग्रहालय नौसेना के इतिहास को बताता है। इसकी टाइमिंग 9:30 AM से शाम को 5:30 PM तक रहती है तथा हफ्ते में मंगलवार से रविवार तक यह खुला रहता है। नंबर 8, रीस मैंगोस किला। गोवा के सबसे पुराने किलों में से एक है। यह पुर्तगालियों द्वारा स्थापित पहला किला था। इस किले की टाइमिंग 9:30 AM से 5:30 PM तक रहती है तथा मंडे को यह बंद रहता है। नंबर 9, बागा बीच। बागा बीच उत्तरी गोवा का सबसे लोकप्रिय बीच है। यह बीच पैरासेलिंग, जल क्रीड़ाओं और डॉल्फिन के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। इस बीच की खोज हिप्पियों ने की थी। नंबर 10, मोल्लेम नेशनल पार्क। यह गोवा का सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका निर्माण 1969 में किया गया था तथा 1978 में इसका नाम मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान रख दिया गया था। यह उद्यान 107 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस उद्यान में कदम्बा राजवंश के समय की कई प्राचीन मंदिर भी हैं। इस पार्क में किंग कोबरा, पिटवाइजर तथा अनेक सांपों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं।